नमस्कार, क्या आपको पता है मासिक शिवरात्रि और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? इस महाशिवरात्रि भगवान महाशिव के महापर्व पर अपन जानेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है। मासिक शिवरात्रि प्रति माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि आती है ना, उसको मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। इसमें इस माह में प्रतिमा प्रदोष और हर सप्ते सोमवार आता है, जिसका महादेव के लिए व्रत रखा जाता है। प्रति वर्ष श्रावण मास में आने वाली कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। इस शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि श्रावण मास में ही भगवान शिव को जल दूध और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, और जब समुद्र मंथन हुआ तब उस समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था, और जब यह विष निकला तो देवी देवताएं राक्षस सब डर गए थे कि आखिर इस विष को कौन धारण करेगा, अगर इस विष को धारण नहीं किया तो यह सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब भगवान शिव आगे आते हैं और इस विष को अपने कंठ में धारण करते हैं। जब अब अपने कंठ में वो धारण करते हैं ना, तो उस विष की गर्मी शांत करने के लिए देवी देवताएं और राक्षस भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं और दूध भी अर्पित करते हैं और पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं, ताकि उस विष की गर्मी ठंडी पड़ जाए। तभी से हर वर्ष श्रावण मास में भगवान शिव को जल दूध और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, और इससे करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि प्रति वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाया जाता है। यह महाशिवरात्रि मासिक शिवरात्रि और शिवरात्रि से भी बड़ी होती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्य के प्रभाव वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और इस दिन यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ में विवाह के बंधन में बंधे थे। तभी से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, और रात में भगवान शिव की बारात निकाली जाती है और लोग व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं, और भगवान शिव का पूरी रात भगवान शिव को उत्साह मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है।